नमस्कार, वास्तु ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पंडित देवनारायण शर्मा जी। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि दक्षिण दिशा को अशुभ क्यों माना जाता है। बड़ा ही कठिन प्रश्न है ये, दक्षिण दिशा को क्यों अशुभ माना जाता है। सभी लोग ये मान्यता पे चलते हैं, अधिकतर लोग दक्षिण दिशा से डरते भी हैं। दक्षिण का भूखंड लेने से उनको डर लगता है। अक्सर आप देखेंगे कि अगर आप किसी फ्लैट में जाएं तो तीन दिशा में लोग रहते हुए मिलते हैं, चौथी दिशा जो क्लाइंट दिखाने जाता है वो दक्षिण दिशा का ही रहता है। तो उस फ्लोर में अलग अलग फ्लोर में उसी वही वाला जो ब्लॉक है दक्षिण का, वो ब्लॉक आपको बिल्डर के पास ही रह जाता है। इसी तरीके से हम भूखंड में देखते हैं तो क्या दक्षिण दिशा दोषपूर्ण है, क्या पश्चिम दिशा दोषपूर्ण है। वास्तुशास्त्र कहता है कि उत्तर और पूर्व की दिशा ज़्यादा लाभदायक मानी जाती है दक्षिण और पश्चिम दिशा के अगेंस्ट। तो क्या दक्षिण पश्चिम खराब है? मैं ऐसा नहीं मानता। भगवान की बनाई हुई कोई भी दिशा अशुभ नहीं हो सकता, सभी दिशाएं शुभ है। अगर दक्षिण और पश्चिम अशुभ हो जाएगी तो संसार के 50% जो भूखंड है, प्लॉट है, मकान है, वो अशुभ हो जाएंगे। हर दिशा की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, हर दिशा का अपना एक शुभ फल होता है, हर दिशा के अपने तत्व होते हैं। पूरब दिशा का तत्व जल तत्व है, उत्तर दिशा का तत्व भी जल तत्व है, जबकि दक्षिण दिशा का तत्व अग्नि तत्व है और पश्चिम दिशा का जो तत्व है वो वायु तत्व है। तो दक्षिण दिशा क्या खराब हो गई? अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत जो है वो एक गर्म प्रदेश है जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। कुछ देश यूरोप के देश हैं वो वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, जैसे ब्रिटेन है, वहाँ पे धूप के लिए लोग तरसते रहते हैं कि जैसे ही धूप आता है लोग बाहर कमरे से बाहर निकल जाते हैं, छत में चले जाते हैं, गार्डन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको धूप स्नान लेना होता है। क्योंकि अगर हमको धूप नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण नहीं होता, जो कि अत्यंत आवश्यक है। तो भारत जो है वो गर्म प्रदेश है, हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। सुबह सुबह की जो गर्मी है वो पूरब से निकलती है, सुबह का जो सूर्य जो है वो पूरब की तरफ से निकलती है और शाम होते होते दोपहर के बाद वो पश्चिम की ओर चली जाती है। तो चूंकि हम लोग गर्म प्रदेश पे निवास करते हैं तो सुबह की जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारे लिए अत्यंत लाभदायक होता है। वह जो गर्मी है वह उसका ताप कम होता है, उस समय टेम्परेचर कम होता है, वह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को खराब नहीं करता। लेकिन आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जब हम लू चलते रहता है और जब हम बाहर निकल जाते हैं दोपहर के समय, तो उस गर्मी की वजह से हमको लू लग जाता है। लू लगने का मतलब है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, उसकी वजह से हमारे शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, अधिकतर दुकानदार जो दक्षिण और पश्चिम दिशा वाले हैं वो दोपहर के बाद अपने शटर्स को नीचे कर देते हैं क्योंकि धूप ज़्यादा अंदर प्रवेश करती है। कई बार दक्षिण और पश्चिम दिशा के दुकानदार पर्दे भी लगा लेते हैं, वाइट कलर का पर्दा अपने दुकान पे लगा देते हैं जिससे ज़्यादा धूप उनके दुकान के अंदर प्रवेश ना हो सके। लेकिन क्या इस
प्रकाश को, इस ताप को जो दक्षिण और पश्चिम दिशा से ज्यादा आता है, क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम छत के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे दक्षिण दिशा पे सोलर हीटर के पैनल लगाए जाते हैं। जितने सोलर के पैनल हैं वो सारे दक्षिण दिशा की ओर फेसिंग करते हुए लगाए जाते हैं। इस सोलर पैनल से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हमारे घर का जो गीजर है वो ताप देता है, गर्मी देता है और उसकी वजह से पानी गर्म होती है। अक्सर हमने देखा है कि जो भी दक्षिण दिशा पे निवास करते हैं और वहाँ पे सफल हैं, बहुत सारे लोग जो दक्षिण दिशा पे निवास करते हैं वो लोग भी सफल देखे गए हैं। तो वो कौन से जातक हैं जो दक्षिण दिशा में सफल देखे गए हैं? तो दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल है, और जिनका मंगल कुंडली में कारक है, जो मांगलिक लोग हैं और जिनका संबंध मंगल से है, वो लोग दक्षिण दिशा में लाभ की स्थिति पे माने जाते हैं। हमने देखा है कि जितने भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने वाले लोग हैं, भूमि से संबंधित जितने प्लॉटिंग करने वाले हैं, जितने बिल्डर हैं, जितने सिविल इंजीनियर हैं, जितने आर्किटेक्ट हैं, जितने इंटीरियर डेकोरेटर हैं, वो सारे के सारे दक्षिण दिशा में सक्सेसफुल हैं। इसका मतलब अगर उनका मकान दक्षिण दिशा में है तो वो लाभकारक माना गया है। ठीक इसी तरीके से जितने भी लोग हैं जो राइस मिल चलाते हैं, दाल मिल वाले हैं, जो लोग किराना का व्यवसाय करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जिनकी दुकानें हैं, इलेक्ट्रिक का जो कार्य करते हैं, जितने कारपेंटर हैं, जितने सिविल कार्य में लगे हुए ठेकेदार हैं, वो सब दक्षिण दिशा में लाभकारी माने जाते हैं, उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। और इसी तरीके से दक्षिण और पूरब से मिलके अग्निकोण बनता है, तो अग्निकोण का स्वामी हुआ शुक्र। तो अग्नि से संबंधित या किचन से संबंधित काम करने वाले जितने लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि राइस जो दाल का काम करते हैं, जो किराने का व्यवसाय करते हैं, वो सब दक्षिण दिशा में सफल माने जाते हैं। जितने भी ब्यूटी पार्लर के कार्य होते हैं, ब्यूटी पार्लर से संबंधित जितने व्यवसाय हैं, जितने भी भवन से संबंधित हैं, जितने भी लोग ट्रांसपोर्ट को बिलोंग करते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसाय करते हैं, बस में काम करते हैं, जो ट्रेवल्स वाले हैं, वो सब दक्षिण दिशा में सफल देखे गए हैं। इसलिए जो लोग भी इस तरह के व्यवसाय पे हैं वो अपने दिशा को छोड़े ना, आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग दूसरे व्यवसाय में हैं, जिनका अभी मैंने वर्णन किया, वो इन व्यवसाय से संबंधित नहीं हैं, तो वो लोग अगर दक्षिण दिशा पे निवास कर रहे हैं तो उनके लिए उपचार की विधि क्या होनी चाहिए? तो दक्षिण दिशा से अगर ज़्यादा ताप, ज़्यादा धूप आपके घर पे प्रवेश कर रहा हो, तो आप अपने बाउंड्री वॉल पे बड़े बड़े पेड़ लगा दें, अशोक के पेड़ लगा दें, जिससे धूप जो है आपके घर पे ज़्यादा प्रवेश नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े पर्दे आप दक्षिण की खिड़कियों पे, दरवाजे पे लगा दें। इसलिए अगर ज़्यादा धूप आपके घर पे प्रवेश कर रहा हो तो हम दक्षिण के दरवाजे और खिड़की में मोटे मोटे पर्दे लगाते हैं, जिसका रंग गहरे रंग का होता है, जो
सारी जो धूप है उसको अपने अंदर अवशोषित कर ले, या हम ऐसा ग्लास लगाते हैं जिसमें बाहर से धूप हमारे घर के अंदर प्रवेश ज़्यादा ना कर सके। तो आज हमने देखा कि कैसे हम दक्षिण की दिशा में रहते रहते भी अपनी दिशा को, अपने घर को वास्तु शास्त्र के अनुकूल बना सकते हैं। ये डर का एक वजह मुझे और समझ में आता है, क्योंकि दक्षिण दिशा का स्वामी यम है, और यम जो है वो मृत्यु का देवता है। तो दक्षिण दिशा में जब भी कोई दोष आ जाता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट उस जातक को होता है। इसीलिए जब भी हम दक्षिण के प्लॉट में या भूखंड का निर्माण करने शुरू करने जा रहे हो तो एक वास्तु सलाहकार से आप जरूर अपने घर के नक्शे को जरूर दिखवा लें, जिससे किसी भी प्रकार का मेजर कोई वास्तु दोष आपके घर पे ना आने पाए। तो आज हमने देखा कि कैसे दक्षिण और पश्चिम की दिशा का भी हम लाभ अपने लिए ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।